नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दोस्तों बताएंगे हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण क्लास, जिसके बारे में आप सभी को जानते होंगे कि हमारी ये क्लास है। इसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ही हम बताएंगे आपको, और उपसर्ग जो हैं हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह जो है टॉपिक हमारा होता है, जिससे जो है हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों, और हर एक एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों देर ना करते हुए आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, और उपसर्ग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको उपसर्ग की परिभाषा याद होनी चाहिए। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? बे शब्दांश बे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ, आरंभ मतलब शुरू में लगकर उसके अर्थ में जो है विशेषता लाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अप से क्या हो जाएगा दोस्तों? अपमान। तो इसका उपसर्ग क्या हो गया दोस्तों? इसमें अप हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों उप उप का जो है शब्द क्या बनेगा दोस्तों? उपकार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा वी, वी का क्या हो जाएगा दोस्तों? विदेश और विज्ञान। तो ये जो है हमारे इस प्रकार से जो है क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग हम इस प्रकार से जो है क्लियर कर सकते हैं, और उपसर्ग के बारे में इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कुछ उपसर्ग नीचे दे रखे हैं, आइए देखते हैं इसमें कुछ उदाहरण जो है आपके, इसमें उपसर्ग दे रखे हैं। ठीक है, अब इनके हम शब्द बनाने हैं दोस्तों। इन उपसर्ग के हमें क्या बनाना है? शब्द बनाना है कि जो है हमें इन उपसर्ग में कौन कौन से शब्द बन सकते हैं इनसे, तो वह हमें जो है अब बनाना दोस्तों। तो अब आपको पता ही लग गया होगा कि एक उपसर्ग से अनेक शब्द हम बना सकते हैं दोस्तों। तो पहला शब्द हमारा क्या है देखेंगे? अनु। क्या शब्द है दोस्तों? अनु। अब अनु शब्द से जो है, अनु उपसर्ग से कौन कौन से जो है हम शब्द बना सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए अनु, अनु क्या हो जाएगा? अनुकरण। ठीक है दोस्तों, अनुकरण हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? अनुसार। अनुमान। तो इस प्रकार से दोस्तों जो अनु शब्द से हम इस प्रकार से इसमें जो अनु उपसर्ग से ऐसे शब्द बना सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आपका उप, उप का भी मैंने बताया था दोस्तों, तो उप का क्या हो जाएगा? उपकार, उपवन, उपमान। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? नी। नी से क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए
निकम्मा। अगला क्या है आपका? निकट। फिर क्या है आपका? निकेत। तो इस प्रकार से जो है नी से हम इस प्रकार के शब्द बना सकते हैं दोस्तों। अब क्या अगला शब्द हमारा क्या है? परा। परा से क्या हो जाएगा? पराजय। परामर्श। पराभाव। तो इस प्रकार से दोस्त जो है हम इसमें शब्द बना सकते हैं और आप जो है इसमें इस प्रकार से शब्द कर सकते हो दोस्तों। अगला हमारा क्या है? प्रति। कौन सा वर्ड हमारा दोस्तों है? प्रति। प्रति में हम किस प्रकार से बनाएंगे? बहुत ही प्रति के बहुत सरल होते हैं ना, तो क्या जाएगा? प्रतिदिन। प्रतिमा। प्रतिमान। तो इस प्रकार से जो हम जो है प्रति से बना सकते हैं दोस्तों। अगला क्या है हमारा? प्रति के बाद क्या हमारा? खुश। अगला कौन सा वर्ड हमारा दोस्तों है? खुश। तो खुश के हम जो है किस प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों? खुश से क्या क्या बनेगा देखिए। खुशबू। खुशहाल। इसी प्रकार से अगला वर्ड आपका जो है क्या है? ना है। तो ना से हम क्या बना सकते हैं देखो? नाजायज। नाउम्मीद। अगला क्या है? हम। हम से दोस्तों क्या क्या वर्ड बनेंगे? हमदर्द। हमशक्ल। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे जो है उपसर्गों से हम इस प्रकार से शब्द बना सकते हैं या इन शब्दों में हम उपसर्ग ढूंढ सकते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है दोस्तों? वे। वे से क्या हो जाएगा बताइए? बेशक। बेअक्ल। बेशकीमती। तो इस प्रकार से जो हम इसमें वर्ड बनाएंगे। अगला क्या है? अगला देखते हैं नेक। तो क्या होगा दोस्तों? नेक चलन। क्या हो जाएगा? नेक नाम। तो इस प्रकार से अगला क्या है दोस्तों? प्रा। प्रा से क्या हो जाएगा? प्रसाद। प्रमेय। और क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ड? प्रक्रम। अगला क्या है दोस्तों? निर। निर से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। और क्या हो जाएगा? निराभिमान। अगला क्या है दोस्तों? अभी। अभी। अभी क्या कहा जाएगा दोस्तों? अभिनव। फिर क्या हो जाएगा? अभिमान। इस प्रकार से दोस्तों जो है अभी के हमारे वर्ड हो गए। ठीक है, अगला क्या है हमारा दोस्तों? देखिए, प्रति। प्रतिमा। क्या हो जाएगा? प्रतिमा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिवाद। प्रतिवादी।
प्रतिघात। तो इस प्रकार से बहुत से वर्ड हम जो है एक उपसर्ग से बना सकते हैं दोस्तों। अगला क्या आपका फर उप, उप का क्या हो जाएगा बताइए। उपमा, उपमान, उपभेद। अगला क्या अल, अल का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। अलवेला, अलविदा। इस प्रकार से जो है इतने मतलब जो है उपसर्ग के हम इतने इस प्रकार से शब्द बना सकते हैं। तो आप कोई भी उपसर्ग हो उसका आप शब्द बना लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इधर दूसरी तरफ देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों। गैर, गैर का क्या हो जाएगा बताइए बताइए दोस्तों। गैर का क्या हो जाएगा आपको तो पता होना चाहिए। गैर जरूरी। और क्या हो जाएगा गैर हाजिर। बद, बद का क्या हो जाएगा दोस्तों। बदनाम, बद अमली, बद जात। परी, परी का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। परी, परी परिवार, परिवाद, परित्याग। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है परी के जो है शब्द हो जाएंगे। फिर क्या है अगला क्या है दुस, तो उसके क्या हो जाएगा दुश्मनी। और क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। दुस्साहस, ठीक है। इसी प्रकार से आदि, आदि का क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों वर्ड। अधिक, अधिकार। अगला क्या है कु, कु से क्या क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। कु, कुमायु, कुसुम, कुविचार। इसी प्रकार से आप, आप में क्या हो जाएगा आप जैसा। फिर आप बीती। तो इस प्रकार से जो है आपके कू के इस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं कोई भी उपसर्ग हो। अब क्या है ऊ, ऊ से क्या हो जाएगा दोस्तों। उजड़ना, उसरी, उचकना। अगला क्या है आओ, आओ से क्या हो जाएगा औरत। और क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। अवतार का से क्या क्या हो जाएगा दोस्तों। कायर,
काम। अगला क्या है दोस्तों? चिर। चिर से क्या हो जाएगा? चिर काल। फिर और क्या हो जाएगा? चिरायु। और क्या हो जाएगा दोस्तों? चिरंजीव। आगे क्या हमारा है? चौ। चौ से क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? चौमासा, चौराहा, चौपाई। आगे क्या है अगला, बताइए दोस्तों? ती। ती से कौन कौन से शब्द बनेंगे, बताइए? आप सभी को अब तो याद हो जाना चाहिए, ती से कौन कौन शब्द बनेंगे? तिराहा। और क्या हो जाएगा? तिरंगा। और क्या हो जाएगा? पहिया। आ गया पच। पच से क्या बनेगा? पचमेल, पच रंग, पचना। अलग है नाना। नाना से कौन कौन से वर्ड बनेंगे, बताइए दोस्तों? बहुत अधिक पूछे जाते हैं नाना प्रकार। और क्या हो जाएगा दोस्तों? नाना स्वरूप। बहु। बहु से क्या बनेगा, बताइए? बहुत बहुवचन। और क्या हो जाएगा? बहुमूल्य। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है आप इसमें जानकारी कर सकते हैं और किस प्रकार से अब इन उपसर्गों से जो है आप अपने शब्द को बना सकते हैं दोस्तों। तो उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें प्रत्यय भी होते हैं दोस्तों और उपसर्ग भी होते हैं। तो उपसर्गों से जो है आप इस प्रकार से जो है शब्द बना सकते हैं और उपसर्गों से जो है इस प्रकार से आप शब्द बना करके याद कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं दोस्तों। और हर कोई जो भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाएगी तो उसमें उपसर्ग को जो है पूछा जाता है दोस्तों। और उपसर्ग हमें छोटे छोटे यह जो है अंक दिलाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए और इसकी जो है तैयारी कर लीजिएगा, जिससे जो है आप इस प्रकार से बहुत अधिक शब्द आते हैं, जिससे जो है आप परीक्षा में कहीं पर भी फंसे ना और जो है अपने पूरे से पूरे नंबर इन टॉपिक में लाएं। क्योंकि ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है नंबर आपको मिल सकते हैं, और यह नंबर जो है दोस्तों कटने वाले आपके नहीं होते हैं दोस्तों। ये जो हमें छोटे से लगा के लास्ट तक ये हमें बताया जाता है, और छोटे में भी बताया गया होगा आपको, 4, 5, 6, 7 में भी बताया गया होगा, लेकिन क्या होता है हम इसे भूल जाते हैं। तो यही सारी चीजें जो हमें लास्ट तक काम में आती हैं दोस्तों। तो इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों उपसर्ग। अगली क्लास में हम बताएंगे आपको दूसरा। तब तक के लिए दोस्तों क्या है, आप इसे करिए और पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी करते रहिए और पढ़ाई को एकदम अच्छे से जो है करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।